और अब शुरू करते हैं दो टूक। 2024 के रण की विसात बीत चुकी है। मुकाबला एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन के बीच होने जा रहा है। मोदी योगी की जोड़ी योजनाओं की बौछार कर रही है। सौगात पर सौगात दी जा रही ताकि केंद्र में मोदी तीसरी पारी खेल सके। आत्मविश्वास से लबरेज पीएम मोदी फिर से लौटने का दावा कर रहे हैं। गाजियाबाद में मोदी ने कहा, एक साल में पूरा होने वाले रैपिड रेल के दूसरे फेज का वो ही लोकार्पण करेंगे। उधर आईएनडीआईए गठबंधन की गांठ खुलती नजर आ रही है। मोदी से मुकाबले के लिए एकजुट हुए विपक्षी दल आपस में ही मुकाबला कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीटों के बंटवारे को लेकर आमने सामने आ चुकी है। शब्दों की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आईएनडीआईए के दल आपस में ही लड़ रहे हैं तो फिर मोदी और योगी की जोड़ी से कैसे मुकाबला करेंगे। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। क्या मोदी की वापसी तय? क्या विपक्ष में फैला भय? बीजेपी का प्लान तैयार? आईएनडीआईए में क्या मचा घमासान? कांग्रेस समाजवादी पार्टी में वार? गठबंधन में क्या पड़ चुकी है दरार? मोदी योगी की सौगात? अखिलेश अजय में क्यों तकरार? मोदी योगी का डंका? क्या विपक्ष की लगी लंका? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सुनवाते हैं। और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और ये मेरठ वाला हिस्सा एक साल डेढ़ साल के बाद पूरा होगा, उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। मुलायम सिंह जी ने हमेशा हम लोगों का सम्मान किया, हमेशा उनका हम लोगों ने भी सम्मान आज भी किया और हमेशा करते रहेंगे। तो जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। देखिए, कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो सभी विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। देखिए, फासले बढ़ न जाएं, फासले घटाने से, आओ सोच लें पहले, राब्ते बढ़ाने से। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये जो इंडी गठबंधन है ये भ्रमित लोगों का गठबंधन है, एक दूसरे पर शक और संदेह करने वाले लोगों का गठबंधन है, जनता को धोखा देने वाले लोगों का गठबंधन है। लेकिन इससे पहले कि ये जनता को ठगते, जनता को धोखा देते, जनता को अपनी बातों में बहलाते फुसलाते, इनकी धोखेबाजी की पूरी कहानी खुद ब खुद जनता के सामने आ गई है। बनारस के उस सड़क छाप गुंडे ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिसको उत्तर प्रदेश की जानकारी नहीं है, लेकिन वो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। तो समाजवादी पार्टी चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए देश भर में सभी पार्टियां मिलकर साथ में चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस अगर ऐसा नहीं चाहती तो समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी घोसी में भारतीय जनता पार्टी को हरा के दिखाया है और आने वाले समय में देश भर में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी अकेले रोकने में सक्षम है। मेहमान जुड़े हैं शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और अजय वर्मा जी जो कि कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भुवन जोशी साहब, उम्मीद थी कि कुछ बेहतर होगा 24 से पहले, लेकिन उससे पहले किस तरीके से बयानबाजी हो रही है अखिलेश और अजय के बीच। सवाल इस बात को लेकर है कि पीएम मोदी ने तय कर दिया है कि वो तो फिर लौट रहे हैं, आप लोग तो आईएनडीआईए बनाकर उन्हें ना लौटने देने को लेकर पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आपस में उलझ गए हैं, ऐसा क्यों? रोक पाएंगे क्या? ये विजय रथ जो मोदी का है वो रुक जाएगा या बीजेपी का जो विजय रथ है वो रोक पाएंगे? देखिए, पहले तो विजय रथ की बात बता रहा हूँ। विजय रथ को कर्नाटक में भी रोका गया, हिमाचल में भी रोका गया और घोसी को भी रोका, और ये भारत की जनता ने रोका है, ना कि लंदन की जनता ने। पहला विषय तो यहीं पर क्लियर हो जाता है। दूसरा बात आते हैं, कर्नाटक में आप नहीं थे, आपकी बातों को काटूंगा, हिमाचल में आप नहीं थे, हाँ घोसी की बात कीजिए, लेकिन एक सीट को लेकर आपने पूरा तय कर दिया। मैंने कहा कि मोदी का रथ रोकने की बात कही, सुधांशु जी हमारे, राजपूत जी हमारे विषय को गंभीरता से ले लिया करो, आप गंभीर पत्रकार है तो हम भी गंभीर नेता। नहीं, वही गंभीरता है जो मैं कह रहा हूँ ना,
उसी गंभीरता की बात कह रहा हूँ कि एक बजे देर रात तक जगाकर सीट बंटवारे को लेकर हुआ, और आज कमलनाथ कह रहे हैं कौन अखिलेश। अगर हम आपको गंभीरता से लेते हैं तो 30 साल के राजनीतिक ये बताइए गंभीरता से लेना सीखिए। लेकिन कमलनाथ नहीं ले रहे हैं ना गंभीरता से, कांग्रेस नहीं ले रही गंभीरता से आप लोगों को। मैं उसी विषय पर विषय दे रहा हूँ आपको। मध्य प्रदेश में हमारी स्थिति वैसी है जैसी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, कोई बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। एक विधायक हमारा था, चार विधानसभा में हम दूसरे नंबर पर आए थे, कांग्रेस वहां पर तीसरे नंबर पे, यानी कि 5 विधानसभा में हम लोग जीतने के और हराने की स्थिति में थे। और कांग्रेस ने हम लोग हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को आश्वस्त करा कि हम लोग 6 सीटें आपको देने जा रहे हैं। फिर उन्होंने हमारे जीते हुए कैंडिडेट के खिलाफ भी कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब वहां पर हमारा संगठन है, हमारा जो संगठन है वो वहां पर क्या करेगा, अगर चुनाव नहीं लड़ेगा तो क्या करेगा। तो निश्चित तौर पे ये कांग्रेस के उसमें कांग्रेस के आप गोल जो गैद है उनके पाले में है, कांग्रेस को तय करना है। हम लोग तो वेट एंड वॉच की नहीं, ठीक है मैं मानता हूँ कि देखिए ये जो बातें हैं वो तय करे, लेकिन ये बयानबाजी क्यों मतलब जो नहीं बोलना चाहिए, कल जिस तरीके से अखिलेश ने बोला, फिर उसके बाद आपके प्रवक्ता भी कह रहे हैं सड़क छाप टाइप के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए, फिर ये कहा जा रहा है जो अपने पिता का नहीं वो हमारा क्या होगा, आप लोग तो इसमें उलझे हुए हैं। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, अजय राय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्हें मध्य प्रदेश की क्या जानकारी है, उन्हें उत्तराखंड की क्या जानकारी है, उनको मध्य प्रदेश उत्तराखंड में घुसने की क्या जरूरत है, उत्तर प्रदेश तो संभाल ले। और कांग्रेस को तय करना है कि माननीय राहुल गांधी जी अमेठी में दूसरे नंबर पर तब आए जब समाजवादी पार्टी का समर्थन था। कांग्रेस राहुल गांधी जी को अमेठी में किस स्थान पर देखना चाहती है, कांग्रेस को तय करना है। हम लोग तो वेट एंड वॉच की स्थिति में। अजय वर्मा जी आप लोग तय कीजिए, पहले मोदी से लड़ाई तो दूसरी बात है, पहले आप लोग तय कर लीजिए कि करना क्या है। देखिए राजपूत जी, जी देश बहुत बड़ा है और उसमें उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा प्रदेश है। अपनी अपनी पार्टी की रणनीति, अगर अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं तो उनकी अपनी रणनीति है। और रहा सवाल मध्य प्रदेश का और रहा राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का या अन्य प्रदेशों का, तो हाईकमान हमारा खड़गे जी हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं, स्क्रीनिंग कमेटी है, सारे लोग ये तय करते हैं। जो कहता है राजनीति में आप जानते हैं कि कोई चीजें स्थायी नहीं होती, कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए, पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं है अगर कोई कह रहे हैं, लेकिन भाषा नहीं, प्रदेश अध्यक्ष अगर आपके कुछ कहते हैं तो वो आधिकारिक बयान ना माना जाए। देखिए भाषा शैली का ध्यान सब लोगों को रखना चाहिए, कोई भी भाषा शैली, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो या बसपा हो या बीजेपी हो, हम इसके खिलाफ नहीं रहते, हम तो मोहब्बत की बयार और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले। अब मैं थोड़ा सा, चूंकि आज का विषय मुझे बताया गया था कि रैपिड रेल के बारे में भी था, क्या वो है या बदल गया है? नहीं वो तो है, वो तो कह रहे हैं पीएम मोदी, कह रहे हैं कि हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण करते हैं और दूसरे फेज का हम ही लोकार्पण करेंगे, हम लौट रहे हैं क्योंकि आप लोगों में लड़ाई मची हुई है। देखिए मैं उसी पे थोड़ा सा जाना चाह रहा हूँ कि घमंड तो ना रावण का रहा, ना दुर्योधन का रहा, और ना ही घमंड जो है कंस का रहा। तो देश में अगर प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित पद पे हैं, क्या मशीनें उनकी जेब में हैं जो कह रहे हैं कि साहब मैं दोबारा रिपीट हो जाऊंगा? जनता को गुलाम समझ लिया है हिटलर की तरह, कि उसने गुलाम समझा था देश के लोकतंत्र को, आप किस तरह से कलंकित करने का काम करने में दोबारा आऊंगा? फिर तो आप ही के हाथ में, फिर तो छोड़ दीजिए, चुनाव मत कराइए और यहाँ घोषित कर दीजिए अपने आप को। मैं दूसरी चीजें बताना चाह रहा हूँ इस रैपिड रेल का, कि जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, बस 2006 में कांग्रेस ने इसका एक शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। दूसरों की मलाई पर आप अपना हक जमा रहे हैं। सर विकास की योजनाएं किसी सरकार की नहीं होती। सर मैं बता रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ ना आपको सर, मेरी वो तो सतत प्रक्रिया है। वो वर्ष 2009 में 8 तारीख को महिला आरक्षण बिल भी आप लोगों का था। पहले चरण में दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत, दिल्ली अलवर को प्राथमिकता दी गई। मार्च 2010 में सर उन्हें जो देना था, अजय जी उन्हें जो देना था उन्होंने दे दिया और ये बता दिया कि हमने दे दिया, हमारी सरकार ने दे दिया। दीजिए एक मिनट का टाइम जनता को बता दो कि मार्च 2010 में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की तरफ से फिजिबिलिटी पर डीपीआर हेतु कंपनी निर्धारित की गई। 2011 में जब यूपीए की सरकार थी तो इसको कांग्रेस सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी, फिर एनसीआर मोबिलिटी प्लानिंग शामिल किया गया। 2013 में एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एनसीआरटी को रीजनल रेल कॉर्पोरेशन सब मिलाकर कहना क्या चाह रहे हैं अजय वर्मा जी वो बता दीजिए।
आप, ये यही मैं फाइनल करने जा रहा हूँ। संदर्भ ना पढ़िए, 2011 में ही राज्य, आप पूरा पैराग्राफ पढ़कर संदर्भ सहित व्याख्या ना कीजिए ना, आप कहना क्या चाह रहे हैं वो बता दीजिए, दर्शकों को समझाना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं दर्शकों को वो समझा दीजिए। केवल ये बताना चाहता हूँ कि केवल केवल चुनावी एजेंडा चलाने के लिए दूसरे के प्रोग्रामों को अपना बताने के लिए आपका कैसे हो गया वो प्रोग्राम, ये बता दीजिए। सर 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 मैं ये बता रहा हूँ, नहीं आपका कैसे प्रोग्राम हो गया, तब तो मैं राजपूत जी बोल तो मैं तो कहूंगा कि फिर तो देश ही आपका है, फिर आप और किसी का ही नहीं, कांग्रेस का ही देश है ये, और किसी ना पार्टी का देश है। हाँ, ये हमारा देश है, ये आपका देश नहीं, नहीं कांग्रेस का ही है फिर तो आपका, ये हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमारे पहले प्रधानमंत्री बने, तो कह दीजिए मैंने पहले क्लियर किया ना, विकास एक सतत प्रक्रिया है, सरकार आती है सरकार जाती रहती है। आप मेरी बहस में खत्म कर देंगे, थोड़ी सुन तो लीजिए। मेरा ये है कहने का कि चुनाव जीतने के लिए आप अडानी के 32,000 शरद त्रिवेदी जी सब कुछ उनका फीता आप काट रहे हैं, और फीता आप काटेंगे, फीता आप काट रहे हैं आपस में भिड़े, ये सब है, पहले आपस वाला क्लियर करें, कि पहले आपसे क्लियर करेंगे, आप घमंड शरद जी करेंगे कि 24 में मोदी, शरद जी लोकतंत्र है, इसका सम्मान करिए, वोटरों की इज्जत करिए, और नहीं यार रावण और राम और कंस का जो हाल हुआ था, नहीं राम का नहीं गलत कह रहे हैं, नहीं नहीं मैं रावण और कंस गलत कह रहे हैं, आपको बता रहा हूँ गलत कह रहे हैं, आप तुलना क्यों कर रहे हैं रावण कंस, आप उनकी तुलना उनसे क्यों कर रहे हैं, मैं राम की नहीं कह रहा, आपने तो कह दिया है, आप इस शो खत्म होने के बाद इस ये अपने इस सेंटेंस को सुन लीजिए, खुद ही समझ लीजिए। चलिए मैं अगर गलती से निकले तो मैं शब्द वापस ले रहा हूँ। शरद त्रिवेदी जी राम बनने शरद त्रिवेदी जी भगवान मत बनाइए किसी एकल अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, फिर दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि जो अपने पिता का नहीं वो हमारा क्या होगा, फिर समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता कहते हैं सड़क छाप टाइप के लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, फिर सवाल किया जा रहा है कि जो आज लोका उद्घाटन पीएम ने किया है वो तो कांग्रेस का ही किया धारा इस देश में, आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। राहुल जी देखिए, हमारे भुवन भाई बहुत प्रखर वक्ता हैं और अधिवक्ता भी मेरे परम मित्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि देखिए जो कांग्रेस का जनाधार मध्य प्रदेश में है वो सपा का यहाँ पे, और जो हालत सपा की मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि सपा वहाँ नहीं है ये यहाँ नहीं है, तो ये तो बिल्कुल साफ है। दूसरी चीज ये है कि देखिए हमारे यहाँ कहावत है कि पूत के पांव पालने में देखे जाते हैं, तो ये बच्चा कैसा बड़ा होके बनेगा वो पहले ही पता चल जाता है, तो अभी तो जुमा 4 दिन हुए ये ठगबंधन को बने, और ठगों की लड़ाई तो लूट के बाद होती है, आपस में मारपीट होती है, कौन बंदर बांट में क्या लेगा क्या नहीं लेगा, यहाँ तो उससे पहले ही शुरू हो गया है, और हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि देखिए इस जो ठगबंधन है .com इनका जो बंधन है वो उसमें पहले तो नाम पे ही ऑब्जेक्शन रहा, अगर केजरीवाल जी कहते हैं मैंने दिया है नाम, राहुल जी कहते हैं मैंने दिया है, ममता दीदी कहती है हमने दिया है, टीएमसी के जो कांग्रेस के मेघालय का पूरा यूनिट था 12 विधायकों का वो सब टीएमसी में चला गया, टीएमसी ने कह दिया है कि अगर सीपीआई गठबंधन में रहेगी तो हम गठबंधन से बाहर चले जाएंगे, सीपीआई ने कहा हम सारे जितने भी सीटें हैं वहां हम सब पे चुनाव लड़ेंगे बंगाल में, और आप देखें कि अभी जो ये बिल्कुल 2 लड़के पसंद थे उत्तर प्रदेश को बता रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता ठीक है वो उनकी आपस की बातें हैं, लेकिन उनकी आपस की बातें हैं, आप लोग बाहर से मजे लीजिए, बात अलग है, कल का कोई भरोसा नहीं, फिर एक हो सकते हैं। नहीं नहीं हम तो चाह रहे हैं कि एक हो, आप देखें उत्तर प्रदेश में ये सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, चाचा भतीजे बुआ बबुआ लड़के ये सब एक हुए थे, फिर सब अलग हो गए, और नतीजा वही जस का तस है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, और अभी देखिए जो एक दूसरे के साथ कस्में खा रहे थे, अभी अखिलेश जी ने आज ही उनको चिरकुट कहा है, जो राय साहब को चिरकुट कहा है, वहां कमलनाथ जी कह रहे हैं कि साहब ये अखिलेश वखिलेश की बातें छोड़िए हम और कुछ बातें करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल अभी भी ये हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, ये मिलके लड़े चुनाव और एक साथ ही मामला निपट जाएगा, इसमें अलग अलग और ये सब करने की जरूरत है, हम तो अभी भी कह रहे हैं हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है, अब क्या चाहिए अभी ये लड़े। भुवन भास्कर जोशी जी, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं राहुल जी की जी। जो अभी हमारे वर्मा साहब कह रहे थे कि इन्होंने खुद सपना देखा, बिल्कुल सही बात है,
जो मेरठ एक्सप्रेसवे का सपना इन्होंने देखा था, जो रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट का सपना इन्होंने देखा था, दोनों सपने हमने पूरे किए। गैंगटॉक एयरपोर्ट का सपना इन्होंने देखा था, सपना वो देखते हैं उसे पूरा आप लोग करते हैं। गोवा एयरपोर्ट का सपना हमने पूरा किया, सरयू परियोजना 45 साल ठीक है, पहले अजय जी आप लोग सपना देखते हैं पूरा तो वो कर रहे हैं। देखिए अभी इन्होंने सत्ता स्वीकार ली, चूंकि सत्यता ही है। हम ये कहना चाहते हैं राहुल राजपूत जी, काबिल दोस्त हैं सारे लोग, देखिए आप 13 किलोमीटर, पता है मेरठ का कॉरिडोर था 82 किलोमीटर, आप 13 किलोमीटर को करके पूरे देश में ऐसे दिखा रहे हैं कि आपने 1300 किलोमीटर कर दिया है। केवल चुनावी एजेंडा है, पॉलिटिकल विंडेक्टा है वोटरों को लुभाने का, लेकिन लोग समझ चुके हैं। आप वही तो कह रहे हैं, यही तो चर्चा आप लोग कीजिए, आप और समाजवादी पार्टी मिलकर लोगों को बताइए। ये बढ़ाना नहीं, छोड़ दीजिए, आप लोग बताइए, ये जो बात यहाँ जो यहाँ आप कर रहे हैं ना हमारे प्रोग्राम में, ये लोगों को बताइए समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, अजय राय और अखिलेश यादव मिलकर लोगों को ये बताएं, लेकिन हो कहाँ पा रहे हैं सर। अब आप मेरे बीच में बोलते जाएंगे भैया, मित्र मीडिया है माना आप, लेकिन भाई मेरे नहीं, मित्र तो अखिलेश यादव के थे, आप लोग पता नहीं क्या हो गया। अरे आप जो है राहुल जी माना मित्र मीडिया है, लेकिन समय परिवर्तन होता है, अहंकार किसी का नहीं रहता। अखिलेश यादव को ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप लोग, अखिलेश यादव को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को भी तो मौका दीजिए, औरों को भी तो सुन लीजिए, भुवन जी को सुन लीजिए, हमें आप काटना शुरू कर देंगे, शरद जी को बिना रोक टोक बोलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ जो आप मुझे बता रहे हैं, आप जमीन पर उतर कर वोटर को बताइए, अखिलेश यादव को साथ लेकर बताइए। आप 10 सेकंड सुन लीजिए, पांचों स्टेट के जो चुनाव नवंबर दिसंबर में अक्टूबर शुरू होने, सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, इंडिया की बनने जा रही है, ठीक है, और 24 में देश के लोगों ने तय कर लिया 146 करोड़। आप अभी आप तो कह रहे हैं कि मोदी की बात पर आप कह रहे थे कि संविधान चला गया पीछे, अब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, पांच राज्यों में कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, बनने जा रही है, उन्होंने तो कहा मैं आऊंगा, बनने जा रही है, रहूंगा में बहुत फर्क है भाई, बहुत फर्क है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अगर ग्रामर की नॉलेज हो तो। हाँ, आप हमें टेंस सिखा दीजिए आप मुझे जी, तो मेरा कहना है, लेकिन टेंशन आप लोगों की बढ़ रही है। देखिए वक्त कम है अजय जी, वक्त भी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर एक तरफ पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि मैं दोबारा लौट के आ रहा हूँ, आगे विकास कार्य और होंगे, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक, ऐसे में INDIA गठबंधन कैसे मुकाबला करेगा NDA का, ये एक बड़ा सवाल है। दो टूक में